चलिए आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर स्थगित हुआ है और आज सुबह 9 बजे ये लिखित परीक्षा होनी थी। आरपीएससी सचिव हरजूलाल अटल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी भी दी। बेकरिया थाना पुलिस ने आज ही शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश भी किया है। जालौर से आ रही बस में सवार 37 द्वितीय श्रेणी शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए, जिसमें 7 पेपर सॉल्व करवाने वाले विशेषज्ञों को भी पकड़ा गया। ये एक्सपर्ट्स भी वहां पर थे, अभ्यर्थी थे और सभी के पास मिले द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के हूबहू पेपर। पकड़े गए अभ्यर्थियों और एक्सपर्ट से उदयपुर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस और एसओजी की टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब ये मामला चूंकि सबके सामने आया है और ये तूल भी पकड़ रहा है, जहां एक और विपक्ष उसे इस चीज को लेकर गिना रहा है कि कोई भी भर्ती परीक्षा बिना ट्रांसपेरेंसी के, पारदर्शिता के बिना नहीं करवाई जा रही है। और जो पारदर्शिता रखने की बात थी वो तो बहुत दूर की हो जाती है, लेकिन पेपर लीक होने पर जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डर और क्रोध है, जो की तैयारी इन एग्जाम्स की तरह थे। साल की आखिरी परीक्षा थी, लेकिन साल की आखिरी परीक्षा भी नकल से अछूती नहीं रही। यानी कि और दूसरी ओर देखिए, सरकार का ये कहना है और सीएम अशोक गहलोत भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान और जो लोग मेहनत कर छात्र हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, इसीलिए तुरंत ये चीज संज्ञान में आते ही पेपर स्थगित किया गया है। लेकिन जो दूसरी पारी के एग्जाम है वो बिल्कुल यथावत रहेंगे और कोशिश यही की जाएगी, सुनिश्चित यही इसको जरूर किया जाएगा 100% हर पैरामीटर पे की वो पेपर किसी भी पेपर लीक के हद तक भेंट ना चढ़े और ना ही किसी ऐसे ज्ञान की हद तक ये पेपर चढ़ जाए जो कि मुनाफे की वजह से इस तरह के कार्य किया करते हैं, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया करते हैं। तो सेकंड ग्रेड टीचर जी के पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला और सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, उन्होंने कहा कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया है, जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय ना हो। बाकी परीक्षाएं यथावत रहेगी, सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी को महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास कराने के मंसूबे पाल कराए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने के बजाय आपकी तैयारी आप स्वयं करें। ये ट्वीट सीएम अशोक गहलोत की, क्योंकि इस पूरे मामले को देखते हुए उन्होंने कहा कि व्यथा जो लोगों के मन की है, जो परेशानी है, जो नर्वसनेस उन्हें हो रही है आगे की तैयारी को लेकर, आगे के एग्जाम को लेकर, वो भलीभांति समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश समय की यही थी। और देखिए एक और ट्वीट और दो सिलसिलेवार ट्वीट, उन्होंने कहा आगे कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए हमने सख्त कानून बनाया है। दुर्भाग्य से देश भर में पेपर लीक करने वाले गैंग इन दिनों पनप गए हैं, जिससे जुडिशरी और मिलिट्री तक में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। राजस्थान में सख्त कार्रवाई कर बेईमानों को जेल में बंद किया भी गया है और आगे भी अब जो नई खबर सामने आई है उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई राजस्थान सरकार करने वाली है, क्योंकि कानून इस पर है। लेकिन कानून कितना प्रभावी है, कानून की कितनी सख्ती यहाँ पर लोगों के मन में नजर आ रही है, वो अब कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत यकीनन है। दो सिलसिलेवार ट्वीट के सीएम अशोक गहलोत ने, उन्होंने कहा कि मेहनत कर युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। स्थगित किया गया है पेपर, लेकिन जरूरी उस समय के लिए वही था कि अभी पेपर को स्थगित किया जाए, बावजूद उसके कि लोग वहां पर बैठ गए थे, परीक्षा देने की तैयारी बिल्कुल कर चुके थे, अपने अपने एग्जाम शीट्स को ले चुके थे और जैसे ही पेपर लिखने की तैयारी थी अचानक से वहां पर विचलित आते हैं और उनके पेपर फिर ले लेते हैं। और जब जानकारी सभी के साथ स्प्रेड होती है और ये सर्कुलेट होती है कि ये पेपर लीक होने वाला था और लीक कहीं ना कहीं हो ही गया था, एक बस के अंदर से इस बार पेपर को लीक करने की घटना हुई है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए। नरेश जी, साल का आखिरी पेपर था और आखिरी पेपर भी कहीं ना कहीं नकल से अछूता नहीं रहा है। हालांकि निजी संस्थानों से हटकर इस बार आरपीएससी ने कोशिश की थी और ये चैलेंज स्वीकारा था कि इस परीक्षा को ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाएंगे, लेकिन खामी कहाँ रह गई? बिल्कुल, देखिए परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं ये काफी गंभीर मामला है। और आज भी जो 9 बजे से 11 बजे तक जो शिक्षक सामान्य ज्ञान की परीक्षा का जो पेपर था उसको लेकर भी लगातार मामले सामने आए थे, लीक होने के मामले का विरोध भी लगातार हो रहा था। मुख्यमंत्री ने तुरंत फैसला किया है कि परीक्षा को है वो निरस्त किया जाए, लेकिन हालांकि बाद की जो परीक्षा है वो सभी परीक्षा यथावत रहेगी। खासकर जिस तरह से लगातार जो एक गैंग बनती है पेपर लीक करने वाले की, ये सिर्फ नहीं केवल राजस्थान में बल्कि
अन्य राज्यों में भी है। तो यहाँ तक कि जो ये जो नौकरी की नहीं सच्ची सीमा नहीं है बल्कि जो विदेशी और विदेशी तक के जो पेपर है उनमें लीक होता है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि जो भी लीक किया है, जो भी जेल में शामिल है उनके खिलाफ दस कदम उठाए जाएंगे और जो भी बेईमान उनको जेल में बंद किया जाएगा। और पहले जैसा हुआ है उससे पहले जो मिलता है वो लीक शिक्षा का मामला हो जब सरकार ने एक्शन लिया है। और साथ में जो परेशानी होती है ये सही है, हजारों लाखों लोग युवा है वो परीक्षा देते हैं, तो दूसरे के जाके उनको कई तरह की परेशानी होती है और जब कैंसर पर जाते हैं उनको पता लगता है कि पेपर तो पहले से ही मार्केट में आ चुका है, तो उनकी जो तैयारियाँ होती है उस पर पानी फिरता है और उनका जो भविष्य उनके भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब किस तरह से इससे आगे एक्शन ले, हालांकि पहले कमेटी भी बनाई गई थी किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाए कि पेपर लीक ना हो, उसके लिए अलग जो फैसले हैं वो किए जाए। लेकिन अभी तक उन तमाम बड़े फैसलों के बाद, तमाम इंतजाम के बाद भी वहाँ पे जो है परीक्षा किसी न किसी परीक्षा लीक हो जाती है, जो कि इसके कारण से वो भी परेशान रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, उन्होंने कहा है कि परीक्षा में होने वाली परेशानी तो वो महसूस करते हैं लेकिन अनुचित तरीके से किसी को भी इन परीक्षा में जो मनुष्य उन्होंने पाल रखे हैं उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना ये है कि जो भी इस लिंक में शामिल है उन पर किस तरह से एक्शन होता है, पहली बात, दूसरी बात भविष्य में इस तरह की कोई नीति बनाई जाए, इस तरह ऐसी प्लान तैयार हो कि एक ही जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक ना हो, उसके लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है ये भी देखना होगा। नरेश जी, लेकिन अब ये लोगों के और जो अभ्यर्थी जिनसे सुबह में प्रतिक्रियाएं भी ली, उन्होंने बताया कि 40-40 नंबर के दोनों पेपर है और अभी जो अगली पारी का पेपर है वो भी, तो उनके मन में इस चीज को लेकर शंका भी है कि अगर किसी ने पेपर खरीदने की कोशिश या फिर लीक करने की कोशिश की होगी तो एक पेपर के पास होने के बदौलत पूरे एग्जाम को क्रैक करना कहीं कहीं समझ नहीं आता, तो दूसरे पेपर का भी उन्हें डर है कि अगर लीक हो गया होगा या फिर अब किसी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में आने के बाद में उस पर चुप्पी साध ली होगी, चुपचाप लीक हो गया होगा, इस चीज को लेकर संशय है। वो सुनिश्चित ना होगा कि वो डर किस तरह से उनके मन से निकले और एग्जाम वो ठीक से दे पाए, क्योंकि तैयारी बहुत समय से की है। बिल्कुल, देखिए संशय होता है, शंका होती है, डर होता है, दूसरे के मामले सामने आते हैं और ये डर उन युवाओं को जरूर लगता है जिन्होंने लंबे समय से तैयारियां की है, कोचिंग में कैसे खर्च किए हो कोचिंग करके, और साथ में उनके जो परिवार है वो किस तरह से मुश्किलों का सामना करके उसके लिए संसाधन जुटाते हैं ताकि वो तैयारी परीक्षा की और अपना भविष्य बना सके। और ऐसे में अगर पेपर लीक की घटनाएं होती है तो ये लाजमी है कि युवाओं के मन में शंका हो, युवाओं के मन में डर हो, भय हो कि जो परीक्षा देने जा रहे हैं कहीं वो लीक तो नहीं हो रहा, उसमें पहले से कहीं गेंद काम तो नहीं कर रहा, पहले से कुछ लोगों को पेपर दे दिया हो और वो उनकी बजाय पास है, तो बिल्कुल शंका है, डर भी है और ये डर दूर करने का काम, शंका दूर करने का काम सरकार का है। सरकार किस तरह से भरोसा दिलाती है युवाओं को आपको रोकना चाहेंगे, और इस वक्त आरपीएससी के चेयरमैन संजय कुमार श्रोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी